मानव इतिहास में इस पृथ्वी पर सबसे पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू करने वाले महाराज दशरथ, जैसे इस पृथ्वी पे सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाले भगवान श्री राम है, वैसे ही इस पृथ्वी पर सबसे पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करने वाले राजा दशरथ। हमें यह तो पता है कि कृष्ण सुदामा एक साथ पढ़े, एक गरीब और एक राजा का लड़का, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए प्रयाग के निषादराज जो बहुत ही गरीब परिवार के थे, नाविक के बेटे थे, वो भगवान राम के साथ एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। राजा दशरथ के पहले शिक्षा में थोड़ा भेदभाव था, राजाओं के बच्चों का स्कूल अलग होता था, गरीबों के बच्चों का थोड़ा स्कूल अलग होता था, लेकिन राजा दशरथ ने व्यवस्था लागू किया कि नहीं, उस अखंड भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, जहां तक पूरा राजा दशरथ का राज था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सब कुछ, उसमें समान शिक्षा लागू थी, सबका सिलेबस एक था, सबका करिकुलम एक था, सब बच्चे एक जैसी किताब पढ़ते थे, कोई भेदभाव नहीं पड़ता था, चार वर्ण थे, जाति तो थी नहीं हमारे देश में, जाति तो अभी 2000 साल पहले आई है, कास्टिज्म और क्रिश्चियनिटी एक साथ में आया है, उसके पहले भारत में कोई जाति थी ही नहीं। तो आज के हजारों साल पहले भारत में समान शिक्षा थी, आज है क्या? जोर से बोलिए जरा। मंत्री और संतरी के बच्चे की किताब एक है क्या? क्लर्क और कलेक्टर के बच्चे की एक किताब है क्या? कप्तान और कांस्टेबल के बच्चे की एक किताब है क्या? मजदूर और मालिक के बच्चे की एक किताब है क्या? अरे जब किताबी अलग अलग है, उनमें आपस में प्रेम कहां से आएगा? सबकी अलग, सीबीएसई अलग पढ़ा रहा, आईसीएसई बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, महाराष्ट्र बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, यूपी बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, सारे बोर्ड अलग अलग पढ़ा रहे हैं, और जो पढ़ा रहे हैं उसका 90% हमारे जीवन में कोई लेना देना नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका जो इंजीनियर बनता है उसके तो जीवन में थोड़ा उपयोग है, बाकी इस हॉल में जरा बताइए आपके जीवन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का कोई यूज है क्या? जोर से बोलिए जरा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2ab आपके जीवन में कोई यूज है क्या? हाँ, कुछ इंजीनियर्स के जीवन में यूज है उसका, और किसी में नहीं। जो हम सबके जीवन में उपयोग होना था वो थी संस्कार विधि। हम सब चाहते हैं सबके पर बच्चे अच्छे संस्कारी हो, पिता पुत्र का अच्छा संबंध हो, भाई भाई का अच्छा संबंध हो, पति पत्नी का अच्छा संबंध हो, मित्रों का आपस में अच्छा संबंध हो, सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग खुश रहें। आएगा कैसे? इस हॉल में हम बैठे हुए, बहुत सुंदर हॉल है आपका चिंचवाड़ का, यह हॉल बताता है इसका आर्किटेक्ट बहुत अच्छा था, यह हॉल बताता है इसका इंजीनियर भी अच्छा था, यह हॉल बताता है इसका मिस्त्री भी अच्छा था, यह हॉल बताता है इसमें सीमेंट बालू भी अच्छा था, और यह हाल बताता है कि पैसा भी ठीक ठाक लगाया गया। इसका मतलब जब मैन भी अच्छा हो, मशीन भी अच्छी हो, मेथड भी अच्छा हो, मेटीरियल भी अच्छा हो, और मनी भी अच्छा हो, जिसको 5M कहते हैं, जब ये 5M अच्छा होगा तब कुछ अच्छा बनता है। दुर्भाग्यवश हमने अपने एजुकेशन में 5M के ऊपर फोकस ही नहीं किया। हमारी गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था इतनी बढ़िया व्यवस्था थी, और जब मैं काले आया तो लिखता है अपनी चिट्ठी में कि 7.5 लाख गुरुकुल चल रहे हैं भारत में। आप लोग सोचते होंगे गुरुकुल में केवल हवन करना सिखाया जाता है, केवल गायत्री मंत्र सिखाया जाता? नहीं, ऐसा नहीं। एक्चुअल में हमारे देश में 555 मॉडल का सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम। 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी और 5 साल का ग्रेजुएशन। 5 साल के प्राइमरी में बच्चे को, यानी 5 साल से लेकर 10 साल तक,
उसको सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं देते थे, उसको पहले अच्छा इंसान बनाते थे। शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी कि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो और चारित्रिक रूप से स्वस्थ हो। इसलिए प्राइमरी में बच्चे के केवल अष्टांग योग पढ़ाते थे, यज्ञ विज्ञान पढ़ाते थे, वेद विज्ञान पढ़ाते थे, योग विज्ञान पढ़ाते थे, स्वास्थ्य विज्ञान पढ़ाते थे। 5 साल तक केवल और केवल महापुरुषों को पढ़ाते थे, वेद पढ़ाते थे, पुराण पढ़ाते थे, भगवद्गीता पढ़ाते थे, रामायण पढ़ाते थे, राम के बारे में बताते, राजा दशरथ के बारे में बताते थे, रघुकुल रीत सदा चली आई इसको पढ़ाते थे, वसुदेव कुटुंबकम की भावना उसके अंदर भरते थे, यत्र नारंती पूज्यते रमंते तत्र देवता की भावना भरते थे, नारी का सम्मान करना ये सिखाते थे, इक्वेलिटी जस्टिस लिबर्टी फ्रेटर्निटी सिखाते थे, सब कुछ सिखाते थे। जब वो 10 साल का हो गया, सेकेंडरी में आया, फिर उसको विषयों का ज्ञान देना शुरू किया, और विषय जितने आज पढ़ाए जाते हैं इससे कई गुना ज्यादा विषय। उस समय सेकेंडरी में 20 विषय पढ़ाए जाते थे, आज की डेट में 6वीं से लेकर 10वीं तक 8 या 9 विषय पढ़ाए जाते हैं। फिर भी हम कहते हैं बच्चे के कंधे पे बहुत बर्डन आ गया, क्योंकि बच्चा इतना योग्य नहीं है। आज की डेट में कोई 8 घंटे सूर्य नमस्कार कर सकता है क्या? बोलिए जरा। जिस तलवार को शिवाजी महाराज चलाते थे कोई उठा सकता है क्या? जिस तलवार को संभाजी महाराज चलाते थे, तानाजी महाराज चलाते थे, उठा सकता है क्या? नहीं उठा सकते। जितना बड़ा बलिदान धर्म के लिए किया शिवाजी महाराज ने, उतना हम सब कर सकते हैं क्या? हमारी शिक्षा ही नहीं है, हम पढ़ाई नहीं रहे। जिस तरीके से आम के बीज को, अगर आम का बीज बोएंगे तो आम ही पैदा होगा, और बबूल का बीज होगा तो बबूल ही पैदा। बबूल के बीज को मॉडिफाई करके आप आम बना सकते हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि संस्कारी शिक्षा दिया जाए। जो शिक्षा व्यवस्था मैकाले ने शुरू किया, आगे कंटिन्यू किया, पहले 1935 में कानून बना, फिर 1940 में कानून बना, फिर 1958 में कानून बना, बढ़ते बढ़ते फिर ये राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 में, फिर इसमें एक अमेंडमेंट 2012 में कर दिया। लेकिन सब कुछ होता रहा, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि अगर रिजल्ट गड़बड़ आ रहा है, अगर आउटपुट गड़बड़ है, इसका मतलब इनपुट में कुछ गड़बड़ है। सीधी सी बात है, अगर कूड़ा निकल रहा है तो यानी कूड़ा अंदर जा रहा है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर इस एक किताब को महर्षि दयानंद जी की संस्कार विधि को हमारी सरकारों ने प्रयास करके घर घर पहुंचा दिया होता, इसको इंप्लीमेंट करने में थोड़ा प्रयास कर दिया होता, तो शायद भारत से बहुत सारा कूड़ा खत्म हो गया होता। और एक बात याद रखिए, अगर बीज अवांछित होगा तो पेड़ अवांछित होगा, और पेड़ अवांछित होगा उसमें कांटे निकलेंगे। आज की डेट में अगर आपको कोई आदमी अवांछित काम करता हुआ नजर आए तो ये मान लीजिए ये पेट में भी अवांछित ही आया था, ये जरूरत नहीं थी, मां बाप मौज मस्ती कर रहे थे उसी में आ गया। कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। अगर कोई काम आपको इल्लीगल दिख रहा है, अवांछित दिख रहा है, अननेचुरल दिख रहा है, तो ये मान के चलिए ये जो कुछ कर रहा है इसके मां बाप ने भी प्लान करके इसको, नहीं ये प्लान करके धरती में नहीं आया था, ये प्लान करके पेट में नहीं आया था, इनफैक्ट ये अनप्लान्ड था। मां बाप मौज मस्ती कर रहे थे, ये पेट में आ गया। इसी से बचने के लिए हमारे वेदों में संस्कार विधि है। पहले 40 संस्कार विधि थी, बाद में 24 की गई, 24 से शॉर्ट करते करते बाद में महर्षि व्यास ने उसको 16 कर दिया, 16 संस्कार विधि। दुर्भाग्यवश हम आजाद हो गए,
लेकिन इसको हमने अपने सिलेबस में डाला ही नहीं, करिकुलम में डाला ही नहीं, पढ़ाया नहीं। डॉक्टर कह रहे हैं कि छठवें महीने के बाद बच्चा पेट में रहता है तब से वो सुनना समझना शुरू कर देता है। अल्ट्रासाउंड करा करा के चेक करते हैं बच्चा घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, बच्चे का कान ठीक है कि नहीं है, बच्चा ठीक से डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो शारीरिक डेवलपमेंट वो अल्ट्रासाउंड से देखा जा रहा है, बच्चे का मानसिक डेवलपमेंट कैसे चेक करोगे भैया? बच्चे का मानसिक डेवलपमेंट तो इसी किताब से आएगा। इसलिए मैं कहता हूं अब समय आ गया है भारत में एक भारतीय संस्कार संहिता लागू किया जाए, इस 16 संस्कार को घर घर पहुंचाया जाए, गर्भाधान संस्कार, दूसरा 3 महीने पे पुंसवन संस्कार, फिर 6 महीने पे, फिर पैदा होने के बाद, फिर नामकरण संस्कार। अरे भैया जब ये बात सब लोग कह रहे हैं मान रहे हैं कि बच्चे का व्यवहार, आजकल जो इंग्लिश में बहुत सारी किताबें आ रही हैं, दुनिया भर की मोटिवेशनल किताबें आती हैं, उसमें कहते हैं कि बच्चे का स्वभाव इस बात पर डिपेंड करता है वो क्या देखता है, क्या सुनता है, क्या पढ़ता है, इसी बात पे है। तो ये बात तो हमारे यहां बहुत पहले कह दिया गया कि तुम तो बाद में बता रहे हो, हमारे किताबों में लिखा है बच्चा पेट में सीखना शुरू कर देता है, वो पेट 6वें महीने के बाद ही मां क्या सुन रही है, माता पिता क्या बात कर रहे हैं, मां क्या खा रही है, इस बात पे उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो अगर इसको हमने जन जन पहुंचा दिया होता, घर घर पहुंचा दिया होता, लोगों को बताना शुरू कर दिया होता, सिलेबस में डाल दिया होता, भगवान राम ने हम दो हमारे दो किए हैं, आज बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता।